और आज हम इस वीडियो को समर्पित करना चाहेंगे। पांडे जी के लिए भी मैं नमस्कार करना चाहूंगा। आप लोगों ने हम पर इतना विश्वास जताया। दोस्तों नमस्कार, किसान उज्ज्वला प्लांटेशन के इस वीडियो में स्वागत है। और आज हम इस वीडियो को समर्पित करना चाहेंगे नेपाल के लिए, क्योंकि नेपाल से बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा सम्मान, और उन्होंने विश्वास हम पर जताया है। और वहाँ पर पर्यावरण के लिए काम करने वाले विधायक संतोष पांडे जी के लिए भी मैं नमस्कार करना चाहूँगा। और लुम्बिनी से जो हमें कॉल आई है, महात्मा बुद्ध जी के लिए लुम्बिनी स्थान जाना जाता है, आपको बहुत बहुत नमस्कार। आप लोगों ने हम पर इतना विश्वास जताया, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। और आपने जो बुकिंग हमें दी है, उसके लिए भी हम आपके आभारी हैं। और आज हम आए हुए हैं, हमारे बहुत ही अच्छे और मेरे मित्र हैं, मेरे भाई की तरह हैं। इनके यहाँ पर ये पेड़ लगे थे चंदन के। सर कितने दिन हो गए इन्हें लगे हुए? हाँ, परिचय बताएंगे। ये अपना लगभग 3.5 वर्ष के करीब पहले। मेरा नाम राम निवास है, मैं गजवाला से लगभग 10 किलोमीटर, लगभग 3.5 साल 4 साल के आसपास हो चुका है इन पेड़ों को। सही लग रहे हैं वैसे, मुझे ठीक चल रहे हैं, बाकी ढंग से देखभाल भी ना हो पाई है, तो अच्छा लग रहा है मुझे। तो दोस्तों, इनके यहाँ पर जो पेड़ लगे हैं, उनकी ग्रोथ हम आपको दिखाना चाहेंगे। इनकी जो हाइट है, इनकी हाइट आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी हो गई है। और कुछ पेड़ इनके यहाँ पर 15 फुट तक जा चुके हैं। इसके साथ इन्होंने होस्ट जो यूज किया है, वो सेकेंडरी होस्ट के रूप में और परमानेंट के होस्ट के रूप में आप यहाँ पर देख सकते हैं किस किस तरह के पौधे लगे हुए हैं। इसके जस्ट बराबर में आप देखेंगे यहाँ पर नींबू लगा हुआ है, और नींबू बहुत अच्छा इनका चल रहा है। इनके यहाँ पर जितने भी पेड़ लगे हुए हैं, तो उनकी कंडीशन बेहतर और अच्छी है। ये देखेंगे आप, इसकी हाइट देखेंगे, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ। इन पेड़ों की स्थिति काफ़ी अच्छी है, और एक अच्छे से देश के लिए ये वीडियो समर्पित है। देखिए बहुत अच्छी हाइट है इन पेड़ों की, और काफ़ी अच्छे ये चल रहे हैं। इनके साथ होस्ट जो है, इन्होंने डॉक्टर साहब ने यूज किया है यहाँ पर नींबू। ये देखेंगे साहब, काफ़ी अच्छे पेड़ हैं इनके यहाँ पर। पेड़ों की जो स्थिति है, वो काफ़ी अच्छी है। और बार बार हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे वे लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकें, इसका फ़ायदा उठा सकें। ये देखिए, पेड़ों की स्थिति बहुत अच्छी और बहुत बेहतर है। तो डॉक्टर साहब, इसके अलावा और क्या क्या पेड़ आपके यहाँ पर लगे हुए हैं इस बाग में? इस बाग में सबसे पहले आम। अच्छा, सबसे पहले आपने आम लगाया था। आम की कौन कौन सी प्रजाति लगाई? लंगड़ा है और चौसा। लंगड़ा और चौसा विशेषकर इसमें लगा हुआ है। अच्छा, और उसके बाद में नींबू लगा, फिर आपका ये चंदन लगा। जी जी। तो उसके बाद एक पेड़ इसमें शरीफे का भी है। अच्छा, शरीफे की भी इन्होंने पेड़ लगाने शुरू किए हैं, जिसको सीताफल के नाम से, जो हमारे पास मध्य प्रदेश से डिमांड है काफ़ी सारी, जो सीताफल हमारा खंडवा वगैरह में लगने जा रहा है, और कुछ प्लांट्स वहाँ पर सीहोर वगैरह हमारे लगे हैं। तो सीताफल को शरीफा कहते हैं, शरीफा और सीताफल एक सा ही है, तो उससे आप परिचित हैं, पहली वीडियो में हमारी में आप देख चुके हैं। तो डॉक्टर साहब, अच्छे आपके पौधे चल रहे हैं, है ना? ठीक लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है। चलो चलो, आप इनके साथ मेहनत कर रहे हैं, भले ही आपने ये कहा कि इनके साथ हमने कुछ खास मेहनत नहीं की, कुछ खास नहीं की, लेकिन फिर भी आपने इसके साथ काम किया है, इसके साथ मेहनत की है। तो डॉक्टर साहब, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद साहब। और फिर एक बार हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और फिर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि उछल कर वो नहीं चलते जो काबिल होते हैं किसी फन में, और छलक जाता है पानी जो भराओ ओछे बर्तन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।